पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा होती है इसलिए उनका टेस्ट अलग होता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं अलग हो? इस बात को हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उठाई। मैं आपको ये बताकर मुझे खुशी हो रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात से सहमत है कि जैसे पुलिस के अंदर जो टेस्ट होता है, जो अलग टेस्ट होता है फिजिकल, उसी तरह पूर्व सैनिकों के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग टेस्ट होते हैं। भैया तय करो सरकार, सेना के जो सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना सबसे अव्वल दर्जे की है, जिसमें एकात्मता की भावना, एकात्मता की भावना मतलब हम सब एक हैं, वो वाली भावना अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो पूर्व सैनिकों के अंदर है। क्या आप नहीं चाहते कि इस तरह के सैनिक टीचर बने और आने वाली पीढ़ी को रास्ता बिल्कुल सही, अच्छा, बेहतर रास्ता बताए? उन्होंने इस बात के लिए हाँ करा, गवर्नर साहब के सामने हमने बात करी और तभी ये बात आगे बढ़ रही है कि हमारे को पूर्व सैनिकों को अलग अलग आरक्षण के माध्यम से अलग अलग सेवाओं के अंदर लेकर आना है। तो बहुत ही जल्द मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारी पूरी सरकार पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए हर पत्थर को हटाएगी, हर तरह से ईट का ईट हटाकर हमारे को पूर्व सैनिकों को हर तरह से जो आरक्षण है, वो आरक्षण की जो उपलब्धि है, जो सेवा है, वो पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। एक कमेटी ऐसी बनाए जो बताए कि कितना कोर्स बराबर है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और अब राजस्थान सरकार ने डीओपी से पास करा दिया, एजुकेशन विभाग से पास करा दिया। अभी राजेंद्र जी ने बात करी थी यहां से हमारे टीचरों की भर्ती, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है अलग अलग जगह पर, कहीं 5% है, कहीं 12% है। उस आरक्षण के अंदर भंग करा गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर कंफ्यूजन डाला गया है, आरक्षण के अंदर आरक्षण कर दिया गया है। ये हमारे को बांटने की कोशिश हो रही है। पूर्व सैनिक की बिरादरी एक ही है, या नहीं? एक ही बिरादरी, एक ही बिरादरी है हमारी। आज जब हम यहां बैठते हैं, हमारे घर के अंदर त्योहार हो, रहन सहन हो, ब्याह शादी हो, वहां तक अलग अलग समाज है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, सैनिक हो या पूर्व सैनिक हो, तो हम एक ही बिरादरी हो जाते हैं कि हमारी जो समाज है, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हम एक बिरादरी। उसी तरह से हमें काम करना है। इसके ऊपर काम शुरू हो गया। अभी पिछली सरकार ने 2022 के अंदर जो भर्ती हुई, उस भर्ती के अंदर लोग कोर्ट चले गए। आपकी जो टीचर भर्ती के अंदर एक कोर्ट का केस नहीं, बल्कि बहुत सारे कोर्ट के केसेस हो गए। एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, राजस्थान सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट डबल बेंच में पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी, एनसीईटी से पूछा गया, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वालों से पूछा गया, उन्होंने बोला कि हम ये जो जेएबी है, जबलपुर जो जेटीबी है, जेबीटी है, जबलपुर यूआईटी, जहां से आपको प्रेरणा मिल सकती है, जैसे बाजोर साहब ने कहा, ये शहीद स्मारक ही हो सकते हैं जहां असली योद्धा, असली हीरो, उनके नाम दर्ज होते हैं। ऐसा हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले के अंदर हम एक एकड़ भूमि देकर हमारा शहीद स्मारक हम बनाएंगे, तो आने वाले समय में ये सारा बनकर तैयार है। आज हम यहां बैठे हैं, उसी तरह हर तहसील के अंदर पूर्व सैनिकों के इस तरह की बैठने की व्यवस्था हो सकती है। ये पार्टी से परे है, ये राजनीति से परे है, ये आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, सही रास्ते के लिए। आज यहां पर आपके बीच पर आकर मुझे गर्व है कि भारत के अंदर ऐसी वीरांगनाएं हैं, ऐसे योद्धा हैं जो अभी भी भारत माता के लिए जीते हैं, जिनका दिल आज भी भारत माता के लिए धड़कता है। जब आप मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो,